जिसका सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। कुर्नी उपचुनाव को लेकर सभी इंतजार कर रहे थे कि मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्या मुकेश सहनी कैंडिडेट उतारेंगे, अगर उतारेंगे तो किसको उतारेंगे। सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि क्यों मुकेश सहनी ने जिसको टिकट दिया है उसकी पीछे की वजह क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि कुर्नी उपचुनाव जो सबके नाक की लड़ाई है, उस नाक की लड़ाई में मुकेश सहनी ने टिकट दे दिया है नीलम कुमार को। ये शख्स कौन है ये भी हम बता दें, नीलम कुमार के दादाजी कुर्नी विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। 1990 में आखिरी बार वो विधायक रहे थे और 1990 में ही कोई अपर कास्ट का विधायक था वो नीलम कुमार के दादाजी थे। नीलम कुमार एक जमीनी नेता जो वहां जाता है और आम दिनों में जब कोई चुनाव भी नहीं होता है वो सड़कों पे रहता है। अब मुकेश सहनी ने इनको टिकट क्यों दिया, क्योंकि 42,000 सहनी वोट, और सहनी जानते हैं कि हम किसी को भी वोट दे टिकट दे दे सहनी हमारे साथ जाएगा, सहनी समाज हमारी नैया पाल लगाएगा। मगर 61,000 अपर कास्ट वोट है कुर्नी विधानसभा में, अगर दोनों को जोड़ ले तो 1,00,000, अगर दोनों का समीकरण सेट हो गया तो फिर इस बार नैया पाल लग जाएगी मुकेश सहनी की। मगर मुकेश सहनी ने इस टिकट से किसको किसको नुकसान पहुंचाया है, सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को पहुंचा है, क्योंकि भाजपा अति पिछड़ों को साथ लेकर इस बार चलने की कोशिश कर रही थी और भाजपा के दिलो दिमाग पे अपना एक जोरदार झटका दिया है मुकेश सहनी ने। और मुकेश सहनी का वो लाइन याद कीजिए जब मुकेश सहनी कहते हैं कि भाजपा ने हमको तोड़ा है और हम बिहारी है, और बिहारी जब तक तोड़ता है तब तक छोड़ता नहीं है और हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए मुकेश सहनी ने ऐसा शख्स को टिकट दिया जो जवान है, वो ये भी कहेंगे कि युवाओं को भरोसा कीजिए, युवा पे भरोसा कीजिए, आगे आइए। तो सारा कुछ कहानी है। अब हम आपको बताते हैं कि चुनाव तीनों पार्टियों के लिए क्यों खास है। जहां राजद अगर जीत जाती है तो वो ये कहेगी कि तेजस्वी ही बिहार के राजनीति के युवा जो है जिस पे जनता भरोसा करती है। साथ में नीतीश कुमार कहेंगे कि ओल्ड इज गोल्ड है, हमारा भरोसा लोगों पे है, लोग हमें प्यार देते हैं। और भाजपा जो अफवाह फैला रही थी कि नीतीश का जनाधार खत्म हो गया वो एकदम बड़का झूठा है। मगर अगर भाजपा जीत जाती है तो भाजपा हाथ ऊपर करके कहेगी कि हमने कहा था कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम बिहार में सबसे ज्यादा वोट बैंक वाले हैं, चाचा भतीजा साथ आकर भी हमें नहीं रोक पाए, जो लोग गोपालगंज मुकामा पर चिल्ला के कह रहे थे कि हमारा जनाधार खत्म हुआ है उसके लिए सबक है। देखिए सीखिए नीतीश जी, और तेजस्वी पे सीधा सवाल उठेगा, नीतीश कुमार पे सवाल उठेगा। तो ये दोनों पार्टी के लिए तो है ही है, मगर मुकेश सहनी के लिए सीट कितनी रोचक और कितनी मजेदार है, और क्या कुछ लगा है मुकेश सहनी का। सिर्फ एक सीट नहीं है, 2024 का चुनाव भी इसी दौ पे लड़ेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ, जिसके खिलाफ जाए सहनी, क्योंकि सहनी फिर चिल्ला कर कहेंगे अगर जीत जाएंगे कि भाई हमारा पास सहनी समाज का वोट है और जो हमारा सामने नहीं झुकेगा वो टूटेगा। अगर सहनी इस सीट जीत जाते हैं या अच्छा खासा वोट लेकर आ जाते हैं तो फिर वो 24 में ई वाले सीट पे होंगे जिसको ड्राइविंग सीट कहते हैं, और सीट पे कहेंगे कि हमारा इतना टिकट चाहिए, ई चीज हो जाएगा। मगर अगर उस सीट पे कम वोट आता है तो फिर सहनी का जनाधार भी खत्म होता दिखेगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।